students, write a single C statement to accomplish each of the following. हमें आगे जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एक स्टेटमेंट लिखना है, सी में प्रोग्रामिंग का एक स्टेटमेंट लिखना है जो उस क्वेश्चन का आंसर हो। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स हैं, अभी एक करके देख लेते हैं। डिफाइन द वेरिएबल सी, दिस वेरिएबल Q76354 एंड नंबर टू बी टाइप ऑफ इंटीजर। एक सी प्रोग्राम का स्टेटमेंट लिखना है जो सी दिस वेरिएबल Q76354 और नंबर इस नाम के वेरिएबल्स को इंटीजर के रूप में डिक्लेयर करे। आंसर या इंट आगे सी कॉमा दिस वेरिएबल कॉमा Q76354 कॉमा नंबर इस तरह से लिख देंगे। हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, इंट सी सेमी कॉलन, बाद में इंट दिस वेरिएबल को सेमी कॉलन, बाद में इंट Q76354 सेमी कॉलन एंड इंट नंबर सेमी कॉलन, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है, और प्रिंट करना है एंटर एन इंटीजर, एंटर एन इंटीजर ऐसा प्रिंट हो, उसके बाद में एक कोलन प्रिंट हो और उसके बाद में एक स्पेस प्रिंट हो, इस तरह का प्रिंट आउट है। तो स्टेटमेंट होगा इस तरह से, प्रिंट है यहाँ डबल कोटेशन में एंटर द इंटीजर, एंटर एन इंटीजर, बाद में कोलन और बाद में स्पेस देना होगा। एक स्टेटमेंट लिखना है जो कीबोर्ड से वेरिएबल को रीड करता है और जो भी वेरिएबल हम एंटर करते हैं कीबोर्ड से उसको ए में स्टोर कर लेता है। इसके लिए हमें लिखना होगा स्कैन एफ, इंटीजर है तो यहाँ परसेंटेज डी और एम परसेंट ए एज आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है लिखना है इफ नंबर इज नॉट इक्वल टू 7 प्रिंट द वेरिएबल नंबर इज नॉट इक्वल टू 7। मतलब ये प्रिंट करना है कि इस तरह का स्टेटमेंट लिखना है कि यदि नंबर 7 के बराबर नहीं है तो ये प्रिंट करे द वेरिएबल नंबर इज नॉट इक्वल टू 7। तो इसके लिए हम एक प्रिंटर स्टेटमेंट लिख देंगे, पहले इफ कंडीशन लगाएंगे, उसकी इफ कंडीशन लगाएंगे नंबर इज नॉट इक्वल टू 7, मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन इक्वल, जो सी प्रोग्राम नॉट इक्वल के लिए काम में लिया जाता है। और आगे प्रिंट एफ में जो भी हमें आउटपुट देना है वो लिख देंगे। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। एक नया प्रोग्राम लिख नई लाइन लिखनी है, सी स्टेटमेंट लिखना है जो प्रिंट करे दिस इज ए सी प्रोग्राम, एक ही लाइन में प्रिंट करे। तो प्रिंट एफ दिस इज ए सी प्रोग्राम कर दिया। फिर से वही प्रिंट करना है लेकिन ये दो लाइनों में प्रिंट करे और पहली लाइन का एंड सी के बाद में हो, तो हम सी के बाद में बैकस्लैश साइन लगा देंगे। यदि सारे अक्षर अलग अलग लिखे, सारे वर्ड्स अलग अलग लिखे जाएं, जैसे दिस अलग, इज अलग, ए अलग, सी अलग, प्रोग्राम अलग, तो सबके आगे बैकस्लैश साइन लगा देंगे सबके बीच में। यदि ये सारे करेक्टर्स सिंगल टैब से डिस्टिंग्विश हो तो उसके लिए बैकस्लैश टी लगा देंगे सबके बीच में। अगला, राइट ए स्टेटमेंट और कमेंट टू अकॉम्प्लिश ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें फिर से उसी तरह से करना है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं, ये इनके आंसर्स हैं। अब बारी बारी से एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेट दैट ए प्रोग्राम विल कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स। एक ऐसा सेंटेंस लिखो जो 3 इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेट करे, ऐसा लिखे, मतलब ऐसा हमें कमेंट के रूप में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन द वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड रिजल्ट टू बी टाइप ऑफ इंट। दूसरा एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है जो एक्स वाई जेड एंड रिजल्ट को इंटीजर टाइप का डिक्लेयर करे। तो पहला क्वेश्चन डबल स्लैश के आगे लिख देंगे कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स, और डिफाइन द वेरिएबल्स इसमें इंट आगे स्पेस एक्स कोमा वाई कोमा जेड कोमा रिजल्ट सेमी कॉलन, ये लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर थ्री इंटीजर्स, यूजर्स को तीन इंटीजर इनपुट के रूप में देने के लिए कहें, मतलब ऐसा प्रिंट हो कि एंटर थ्री इंटीजर्स ऐसा प्रिंट हो, एक ऐसा स्टेटमेंट लिखना है। दूसरा स्टेटमेंट लिखना है रीड द इंटीजर्स, रीड थ्री इंटीजर्स फ्रॉम द कीबोर्ड एंड स्टोर देम इन, कीबोर्ड से तीन वेरिएबल रीड करने हैं, तीन इंटीजर रीड करने हैं जो कीबोर्ड से टाइप करेंगे और पहले की वैल्यू एक्स में, दूसरे की वाई में और तीसरे की जेड में स्टोर हो जाए। तो इसके लिए स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले के लिए प्रिंट एफ एंटर थ्री इंटीजर्स और दूसरे के लिए स्कैन एफ तीन बार परसेंटेज डी, बाद में एम परसेंट एक्स एम परसेंट वाई एम परसेंट जेड सेपरेटेड बाई कॉमा लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द प्रोडक्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स कंटेंट इन वेरिएबल एक्स वाई जेड एंड असाइन द वैल्यू। एक ऐसा सी स्टेटमेंट लिखना है जो तीनों वेरिएबल एक्स वाई और जेड हैं उनको मल्टीप्लाई करे और उनकी जो भी मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू आए वो रिजल्ट को असाइन कर दे। और दूसरा प्रोग्राम लिखना है जिस जो प्रिंट करे दिस इज अ प्रोडक्ट और उसके बाद में रिजल्ट की जो वैल्यू आई आए ऊपर वाले में वो प्रिंट कर दे। तो इसके लिए पहले में लिखेंगे रिजल्ट इक्वल टू एक्स स्टार वाई स्टार जेड सेमीकोलन और दूसरे में लिखेंगे प्रिंट एफ स्टेटमेंट में लिखेंगे दिस द प्रोडक्ट इज और परसेंटेज डी और बाद में फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में रिजल्ट को लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऊपर वाले जो भी क्वेश्चंस थे इनसे मिला के एक प्रोग्राम बनाना है, तो इनको सबको कंबाइन करके लिख दिया। इसमें एक लाइन यहाँ बीच में पहले हैस इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, बाद में इंट मैन पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट और एंड में कर्ली ब्रैकेट को एंड कर दिया, इतना एक्स्ट्रा किया गया। ये कुछ आगे स्टेटमेंट्स हैं, इनमें गलती को पकड़ो और उसको ठीक करो। तो पहला स्टेटमेंट, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, अब इनको अलग अलग लिख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रिंट एफ पैरेंथेसिस में है से कोटेशन मार्क है, कोटेशन में द वैल्यू इज परसेंटेज डी बैक स्लैश एन और बाद में फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में एम परसेंट नंबर है। तो इसमें ये स्टेटमेंट है, इसमें गलती कहाँ है, तो इसमें ये गलती है नंबर में एम परसेंट लगा हुआ है, या एम परसेंट नहीं होना चाहिए और इसका करेक्ट है रूप करेक्शन इसमें होगा कि एम परसेंट हटा दिया जाए। तो वैल्यू इज द वैल्यू इज परसेंटेज डी, यहाँ से एम परसेंट हटा दिया, ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्कैन एफ का जिसमें दो बार कोटेशन मार्क में परसेंटेज डी है, बाद में एम परसेंट नंबर वन कोमा नंबर टू, ये इसमें गलती, तो इसमें गलती है नंबर टू के साथ जहाँ एम परसेंट नहीं लगा हुआ, स्कैन एफ में एम परसेंट लगाना होता है। और इसको ठीक कैसे करेंगे, तो इसमें एम परसेंट लगा देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, नंबर टू से पहले एम परसेंट लगा देंगे और ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो स्क्रीन पर है, इफ़ सी इज़ लेस देन सेवन सेमीकोलन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट प्रिंट एफ सी इज़ लेस देन सेवन न्यू लाइन और कर्ली ब्रैकेट ऑफ, इसमें गलती कहाँ है। तो यहाँ पर इसमें गलती ये सेमीकोलन है जो इफ़ सी लेस देन सेवन की पैरेंथेसिस बंद होने के बाद लगा हुआ है कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होने से पहले। ये वैसे हमें कंपाइलेशन में कोई गलती नहीं दिखाएगा, लेकिन यहाँ पर सेमीकोलन इफ़ स्टेटमेंट को यहीं ख़त्म कर देगा, मतलब ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो इफ़ स्टेटमेंट की बॉडी में नहीं होगा और इस केस में ये इफ़ स्टेटमेंट यूजलेस हो जाएगा। ये किसी तरह की कोई एरर हमें शो नहीं करेगा, लेकिन जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाएगा रन किया जाएगा तो ये हमेशा ही सी इज लेस देन सेवन प्रिंट कर देगा, चाहे सी सात से छोटा है या नहीं है। और यहाँ ये माना जाएगा कि सी जो इफ स्टेटमेंट है उसके अंदर कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, कुछ एग्जीक्यूशन के लिए है ही नहीं। जो ठीक करने के लिए यहाँ से सेमीकोलन उठाना पड़ेगा और ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ सी इज ग्रेटर सी इक्वल टू ग्रेटर देन सेवन और कर्ली ब्रैकेट में प्रिंट एफ सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सेवन, इसमें क्या गलती है। तो इसमें ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन जो है वो इस तरह से इक्वल टू ग्रेटर देन नहीं लगेगा, इसको ठीक करना होगा। और इसको ठीक करने के लिए यहाँ इक्वल टू ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया जाएगा। और जो इस तरह से अब
नेक्स्ट आगे कुछ और स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जिनमें गलतियां ढूंढनी है और उनको सुधारना है। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, स्कैन ऐप कोटेशन में डबल कोटेशन में डी वैल्यू, तो इसमें दो गलतियां हैं, एक स्कैन ऐप के साथ परसेंटेज डी नहीं लगा हुआ, यहाँ परसेंटेज आना चाहिए, और दूसरा वैल्यू के साथ एम परसेंट नहीं लगा हुआ, और इसको ठीक करने के लिए यहाँ परसेंटेज और वैल्यू के साथ एम परसेंट लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी, यहाँ एक्स कोमा वाई, ये आ गया, इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती ये है कि जैसे फर्स्ट परसेंटेज डी है, ये यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट की, सेकेंड परसेंटेज डी की जगह वाई की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये तीसरा परसेंटेज डी है इसकी जगह किसकी वैल्यू आएगी, एक तो ये नहीं पता, दूसरा ये कोटेशन यहीं बंद हो गया, बैक स्लैश एन बाहर रह गया, जबकि बैक स्लैश एन कोटेशन के अंदर होना चाहिए था, ये गलती है। इसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? तो संभावित, तो एक तो जो थर्ड कन्वर्जन स्पेसिफायर है परसेंटेज डी, उसके लिए हम एक्स स्टार वाई यहाँ आउटपुट में लिख देंगे, दूसरा बैक स्लैश एन को कोटेशन के अंदर ले लेंगे। अगला स्टेटमेंट है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ नंबर्स, इसमें क्या गलती है? तो इसमें गलती ये है, एक तो सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ, स्टेटमेंट एंड में सेमी कॉलन लगना चाहिए। दूसरा इसमें सबसे बड़ी गलती है, हम लेफ्ट साइड वैल्यू जो असाइन करते हैं वो लेफ्ट साइड में करते हैं, बाई तरफ करते हैं, मतलब सम ऑफ नंबर्स को यदि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के एडिशन की वैल्यू असाइन करनी है तो सम ऑफ नंबर्स लेफ्ट साइड में और ये राइट साइड में आ जाने चाहिए थे। तो एल वैल्यू में हम कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, जैसे यहाँ फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर हमने कैलकुलेशन करने की कोशिश की है, तो इसका करेक्ट लिखने के लिए सम ऑफ नंबर्स इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर सेमी कॉलन, इस तरह से लिखेंगे। इफ नंबर इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट इक्वल टू नंबर, इसमें क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियां हैं, एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए ग्रेटर देन पहले इक्वल टू का साइन बाद में आता है, दूसरा यहाँ कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं हम, इस तरह से लग रहा है यहाँ साइन करना चाहते हैं लेकिन डबल इक्वल लग गया, जो इसको असाइन करने की बजाय कंपेरिजन करने लग जाता है, इक्वलिटी कंपेयर करता है। तो जो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, एक तो उसको चेंज करना पड़ेगा ग्रेटर देन और बाद में इक्वल टू का साइन, और ये डबल इक्वल है इसकी जगह सिंगल इक्वल करना पड़ेगा और करेक्ट वे ये हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार स्लैश प्रोग्राम टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट ऑफ थ्री इंटीजर स्लैश स्टार, ये कमेंट है, सी प्रोग्रामिंग में कमेंट है, मल्टी लाइन कमेंट ऐसे करते हैं, लेकिन ये गलत है, इसमें दो गलतियाँ हैं, उसमें कमेंट में स्टार्टिंग और एंड में स्टार स्लैश और स्लैश स्टार नहीं, इनको उल्टा लगाते हैं, मतलब स्टार्टिंग में स्लैश स्टार लगाते हैं और एंड में स्टार स्लैश लगाते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा इस तरह से इनको चेंज करके। नेक्स्ट, स्कैन ऐप परसेंटेज डी एंड इंटीजर, इस सेंटेंस में क्या गलती है? तो इसमें दो गलतियाँ हैं, पहला स्कैन ऐप में एस कैपिटल है, दूसरा एन इंटीजर के साथ एम परसेंट नहीं लगा हुआ, सी प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव होती है इसलिए स्कैन ऐप में कैपिटल एस नहीं लिख सकते, अपर केस एस नहीं लिख सकते, और स्कैन ऐप में जो वेरिएबल है उसको रीड करते समय एम परसेंट देना होता है, उसका एड्रेस देना पड़ता है, एड्रेस के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। इसको लिखने का करेक्ट वे, यहाँ इसको स्मॉल कर दिया, यहाँ एम परसेंट लगा दिया और ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, प्रिंट ऐप रिमाइंडर ऑफ परसेंटेज डी डी डिवाइडेड बाई परसेंटेज डी इज बैक स्लैश एन आर्ग्यूमेंट्स में एक्स वाई एक्स परसेंटेज वाई, इसमें भी एक गलती ये है कि हम पहले परसेंटेज डी के लिए एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दूसरे कन्वर्जन स्पेसिफायर पे वाई की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन तीसरा कन्वर्जन स्पेसिफायर भी नहीं लिखा, मतलब एक्स परसेंटेज वाई के लिए कन्वर्जन स्पेसिफायर नहीं दिया गया, तो हमें ये देना पड़ेगा और करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ये, जहाँ कन्वर्जन स्पेसिफाई दे दिया। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इफ एक्स इक्वल टू वाई सेमीकोलन प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज इक्वल टू परसेंटेज डी,
एक्स कोमा वाई, इसमें क्या गलती है? तो इसमें एक तो एक्स इक्वल टू वाई है, असाइनमेंट नहीं है, यहाँ हमें कंडीशन लगानी होती है, तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं लगा सकते, यहाँ शायद डबल इक्वल लगाना पड़ेगा जैसा कि हम प्रिंट करना चाह रहे हैं। दूसरा, यहाँ सेमी कॉलन नहीं लगेगा, तो ये दो चेंज करने पड़ेंगे, और इन दोनों को चेंज करने पर करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा इस तरह से, इफ़ एक्स डबल इक्वल वाई प्रिंट एफ सो एंड सो। नेक्स्ट, प्रिंट द सम इज परसेंटेज डी बैकस्लैश एन कोमा एक्स प्लस वाई, इसमें क्या गलती है? तो इसमें भी दो गलतियां हैं, पहला प्रिंट कोई फंक्शन नहीं होता, ये प्रिंट एफ फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग में, और दूसरा यहाँ कोटेशन मार्क बंद होने के बाद फर्स्ट आर्गुमेंट स्टार्ट होने से पहले कोमा आती है, कोमा अंदर लगा दी गई है, तो इसको ठीक करने के लिए कोमा को बाहर लगाना पड़ेगा और प्रिंट की जगह प्रिंट एफ लिखना होगा।